यूपीए सरकार के दौरान सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार और भोजन का अधिकार मिला, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बिजली का अधिकार देने का मन बनाया है। केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में बिजली आपूर्ति पाने के अधिकार के लिए बिल लाने की योजना बना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में हर परिवार को दिन रात बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने की डेडलाइन 1 अप्रैल 2019 तय की है। विद्युत अधिकारियों के मुताबिक बिजली उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किए जा चुके हैं, लेकिन सभी गांव में पावर ट्रांसमिशन की सुविधा इस साल अप्रैल तक ही दी जा सकेगी। पावर मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया, मुख्य बाधा डिस्ट्रीब्यूशन की है, न कि प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन की। अधिकारी ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि डिस्कॉम्स लॉस में कमी करने के लिए रोज कुछ घंटे पावर सप्लाई कट करती है। उन्होंने कहा कि ये पावर कट मुख्य रूप से कमर्शियल वजहों से होते हैं, न कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते। मोदी सरकार द्वारा लाए जाने वाले विधेयक में सामान्य स्थिति में ग्राहक को पावर सप्लाई न देने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को दंड देने का प्रावधान होगा। सामान्य स्थिति का मतलब यह है कि ब्रेकडाउन न हो या कोई तकनीकी खामी न होने पाए। देश में थर्मल और हाइड्रो पावर का उत्पादन जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे में ट्रांसमिशन के लक्ष्य पूरा करना होगा। एनडीए सरकार ने सभी गांव के विद्युतीकरण के लिए 1 मई 2019 की डेडलाइन रखी है, लेकिन अभी केवल 935 गांव में बिजली सुविधा नहीं पहुंची है। सरकार को इन गांव में भी 15 अप्रैल तक बिजली पहुंचा देने की उम्मीद लगाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज़।